हेलो गाइस, कैसे हो? चुका है वीडियो लेके। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ नोवर प्लेन में एक बार और, क्योंकि भाई प्लेन पाथ में यही जगह पड़ रही है। मेरे को नहीं पता क्यों बार बार तो यार नोवो में जाता हूँ फिर से मैं। खैर यहाँ पे एक स्क्वाड मेरे पीछे आ रही थी जो कि पीछे वाले कंटेनर्स पे जा रही है शायद से। तो भाई सबसे पहले मैं लैंडिंग करता हूँ। यहाँ पे मेरे को मिलती है यूएमपी और लेवल 2 का हेलमेट मिल जाता है। एक और यूएमपी थी उसे भी लेता हूँ और फिर चलते हैं भाई बंदों पे रश मारने। लेकिन 4x भी पड़ा था सामने, इसे भी ले ही लेते हैं। अब मैं इस वाले बंदे को यार निपटाने ही वाला था लेकिन भाई अचानक से बंदा कूद जाता है। पता नहीं उसने मेरे को देख लिया था कि भाई मैं मतलब लेट चुका हूँ मतलब एम लेने के लिए, या फिर पता नहीं उसकी इंस्टिंक्ट थी भाई, वो मेरे को नहीं पता। खैर यहाँ पे एक बंदे को मैं नोक कर चुका था, फिर मारता हूँ मैं रश। फुटस्टेप साइड थे मेरे को एक और बंदे के, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। बंदा जा चुका था अंदर, जंप एंड शूट करता हूँ बंदे को, करता हूँ नोक। और भाई ये बंदा भाई कट्टा लेकर रेडी था। खैर यहाँ पे गाइस मैं एक बंदे को खत्म कर देता हूँ। एक को दिया था बहुत गंदा वाला डैमेज, ऊपर से एक और बंदा रश मार रहा है तो मैं रेडी था इसके लिए, जो कि नीचे कूद के अपने बंदे को रिवाइव करने लगा था। मतलब भाई अब यहाँ पे यार बंदा रिवाइव करना छोड़ के भाई मेरे को फायरिंग देता है तगड़े वाली, और यहाँ पे डैमेज देखो भाई मतलब एक गोली का था बस मैं यहाँ पे। खैर यहाँ पे गाइस वाली स्क्वाड को मैं खत्म कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ से मेरे को M4 मिल जाएगी, थोड़ी बहुत और लूट करूंगा यहाँ पे, मैं हेल्थ करूंगा और भाई निकलते हैं फिर फटाफट, क्योंकि और कोई मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे होगा। तो फिर गाइस मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ मुन्ना भाई वाली बाइक लेके, और भाई यहाँ पे बोट फायरिंग कर रहा था, मुझे लगा चलो फोकट अकेले लेके चलते हैं और मैं इसको खत्म ही करता हूँ। और जैसे साइड में देखता हूँ एक ऑफलाइन बंदा दिखता है मेरे को, और जब इसे निपटाता हूँ मैं आते मेरे को फुटस्टेप्स, बंदा भी दिख चुका था जो कि भाग के जाता इधर। और पता नहीं भाई मतलब ये अब आए हैं यहाँ पे या फिर ये दोनों बंदे ऑफलाइन खड़े थे, मतलब कुछ स्कैम हो गए थे इनके साथ। मतलब इतनी देर बाद तक भी इन पर गन क्यों नहीं थी। खैर यहाँ पे गाइस वाले बंदे को मैं खत्म कर दूँ जल्दी से। ये वाले बंदे देखो डायरेक्ट तो जाते नहीं है लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ से मैं AKM लेता हूँ, फिर गाइस निकल लेते हैं। आता हूँ मैं अपार्टमेंट की साइड, बंदे ढूंढ रहा था, फ्लैट चलने की साउंड था स्कूल में से, तो चलते हैं भाई। और यहाँ पे गाइस एक बंदा मेरे को दिख चुका था स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर जो कि ये है, और देने वाला खतरनाक वाला डैमेज मेरे को। मेरे को लगा था भाई गाड़ी में अंदर ही घुसा दूंगा लेकिन यहाँ पे गलत फहमी का शिकार हो गया था मैं। खैर यहाँ पे कैसे हेल्थ करनी पड़ेगी, बहुत गंदी हेल्थ खाई है बंदे ने, लेकिन बंदा रशी मारे जा रहा था तो भाई मेरे को रिस्क लेनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ लगाता ना तो कोई चांस ही नहीं था, कम से कम बस तो गया मैं। और यहाँ पे एक और बंदे के मेरे को फुर्सत सारे थे तो इसलिए मैं उधर जाता हूँ हेल्थ करता हूँ। फिर कैसे उस वाले बंदे को मैं ढूंढ रहा था और बंदा मेरे को दिख जाता है। यहाँ पे लेवल 2 की वैश लेते ताजी, क्योंकि भाई मेरी वाली की हालत बहुत बुरी थी। खैर यहाँ पे गाइस इन वाले बंदों को मैं खत्म कर देता हूँ, इनकी फ्लेयर का इंतजार कर रहा था मैं। और भाई यहाँ पे बंदे दिख जाते हैं मेरे को इधर, एक पेड़ के पीछे 2-3 बंदे शायद से, तो मैं वेट करता हूँ। बंदा झांकता है, बंदे को मैं नोक करता हूँ फटाफट। और गाइस जब मेरा प्लान था कि भाई मतलब एक पेड़ के पीछे 3 बंदे कैसे आएंगे, कोई ना कोई तो दिखेगा थोड़ा बहुत है ना, तो मैं इसे थोड़ा सा एंगल बदलता हूँ। और भाई बंदा मेरे को दिखता है, इसको मैं नोक कर देता हूँ यहाँ पे। और अगर प्लान था मेरा रश मारने का तो एक स्मोक करता हूँ मैं, जिससे कि अगर मैं रश मारूँ तो भाई बंदों को एंगल ना मिले, मतलब फ्री फायर में लपेट दे मेरे को। खैर स्मोक गलत हो जाता है यहाँ पे, मैं एक नेड भी फेंकता हूँ यहाँ पे, नेड अपना काम करता है, बंदे हो जाते हैं भाई नोक, लेकिन यहाँ पे फिनिश नहीं होता मतलब लास्ट वाला बंदा। तो मेरे को लगा भाई क्या पता और भी कोई बंदा हो वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं था, ये 3 ही बंदे थे यहाँ पे शायद से, इनका लास्ट वाला बंदा पता नहीं कहाँ पे था। और इतने आते भाई यहाँ से फुटस्टेप्स, मेरे को लगा भाई इनका लास्ट वाला बंदा होगा ये, लेकिन ये तो बोट था। तो यहाँ पे गए जितने में फ्लेयर आ जाती है तो भाई फ्लेयर लूट के चलते हैं, और फ्लेयर से मेरे को मिलेगी M249 जो कि मैं चलाऊंगा थोड़ी देर, एक क्लच भी होगा इससे, लेकिन मेरा भरोसा उठ जाता है इससे, मतलब फिर मेरे को यार M4 ही लेनी पड़ती है, मतलब देखते जाना क्या ही होगा। और यहाँ पे AWM भी मिलती है मेरे को, इसके भी शॉट्स हैं इसमें, चिंता मत करो। तो फिर गाइस मैं इधर की तरफ भटक रहा था, साइड से आते फायरिंग की साउंड, तो भाई घुमाते गाड़ी। पहले मैं सोच रहा था भाई रश मारूंगा लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी फौज थी और मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मतलब मैंने प्लानिंग ही नहीं करी भाई। और साइड से फायरिंग की साउंड भी आ रही थी, थर्ड पार्टी का शिकार भी हो सकता था मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, इधर आता हूँ मैं गाड़ी लेके। प्लान था मेरा कि इधर से AWM से एक दो बंदे निपटाऊंगा फिर जाकर रश मार देंगे, लेकिन कोई एंगल ही नहीं देगा भाई मेरे को, तो घुसानी पड़ती है फिर गाड़ी। थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ मैं और भाई घुसा देते हैं कि भाई जो होगा देखी जाएगी। और इतने भाई बंदा एंगल देता है,
अब इसको मैं नोक कर देता हूँ और भाई अब मारते हैं रश। अब यहाँ पे यार बंदे खतरनाक वाली फायरिंग देते हैं और अभी तो और आने वाली है। तो यहाँ पे गाइस मैं इधर गाड़ी पार्क करता हूँ और भाई घुस जाते हैं। भाई वो वाला मतलब मजा नहीं आ रहा भाई M249 में, अजीब सी हो गई। मतलब लेट काम कर रहे हैं, फायरिंग रेट भी इसका बेकार कर दिया ठीक है, और डैमेज भी कम कर दिया। मतलब क्यों भाई, हम 100 गोलियों में खुश थे, भले 80 कर देते एक बार को, डैमेज बढ़ा देते, मतलब डैमेज घटाने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए गाइस मेरा भरोसा उठ चुका था भाई M249 से, तो मैं M4 ही ले लेता हूँ कम से कम, मतलब जान तो बचा लेगी भाई। और M4 तो मैं बताया ओपी गन है, स्प्रे भी दे पाऊंगा मैं अच्छा खासा, जो कि M249 से काफी मुश्किल है अगर रेंज हो थोड़ी। मैं देता हूँ इसे बॉडी, बंदा नोक हो जाता है और बंदे में इतना कॉन्फिडेंस कि अपने बंदे को रिवाइव नहीं कर रहा, ये था कि भाई मैं तो लपेट दूंगा इसे, लेकिन इसको भी फिनिश कर देते हैं हेडशॉट के साथ। तो यार इन वाले क्लचेस में अगर मजा तो देखो भाई, जल्दी से लाइक मार दो और सब्सक्राइब भी मार लो अगर किसी ने अब तक नहीं कर रखा। फिर गाइस काफी छोटी जोन बन चुकी थी, मैं भटक रहा था बहुत देर से, यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है मेरे को जिसमें से धुआं उठ रहा था, मैं रुकता हूँ, फुटस्टेप्स आने लगे थे। एक बंदे को नॉक करता हूँ, एक जा चुका था वहां पे जो कि मेरे को एंगल दे रहा था, तो भाई लपेट देता हूँ उसे मैं इजीली। फिर गाइस मैं उधर से निकलता हूँ, थोड़े और राउंड मारा था ऐसे ही, और भाई सामने एक बग्घी दिख जाती है और बंदा भी उसके पास, तो भाई चलते हैं। यहाँ पे गाइस मैं इस वाले बंदे को जल्दी से खत्म कर देता हूँ भाई, बिना रिलोड करे यहाँ से भग लेता हूँ, कि भाई इसका टीममेट हो सकते हैं आसपास, बंदा डायरेक्ट नहीं जाता ओपन में, तो मैं बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था भाई कहीं से पड़ सकती थी, तो इसलिए मैं बिना रिलोड करे मैं वहां से निकल लेता हूँ। फिर गाइस जाता हूँ इन वाले घरों की तरफ, यहाँ पे रिलोड करूंगा गन और फिर चलेंगे। और मेरी वाली गाड़ी की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, तो भाई बग्गी लेनी पड़ती है मेरे को। फिर गाइस मैं यहाँ पे स्कोर हाउस में आता हूँ, थोड़ी देरी होती है मेरे को, और यहाँ पे मैं बैठ कर देख रहा था भाई कोई इधर से दिख जाए तो AWM से थोड़ा सा मतलब मजा ले लें। लेकिन भाई जब मैं इस खिड़की में देखता हूँ ना, एकदम बंदा दिख जाता है मेरे को हल्का सा, जो कि मेरे तरफ ही आ रहा भाई रश मारने। इसको लपेटता हूँ मैं, इसके टीममेट को देखता हूँ और भाई दिख भी जाता है मेरे को, जो कि जा चुका है उस वाले पेड़ के पीछे, उसको भी लपेट दिया जाता है यहाँ पे। और एक बंदा इनका मतलब जोन के बाहर भी लुढ़का है, क्योंकि भाई मेरे को धुआं दिखाई दिया उसके पेटी का। अब गाइस यहाँ पे जोन तो बन नहीं चुकी थी, तो भाई जाना तो पड़ेगा, तो भाई उठाते हैं बग्गी और भाई चलते हैं। तो यार बग्गी से मैं काफी राउंड मारता हूँ, कोई मिलता ही नहीं है। फिर गाइस मैं ये गाड़ी मिल चुकी थी मेरे को, इससे मतलब इसे भगा रहा था मैं चारों तरफ, साइड से आती है ओक चलने की साउंड, तो भाई चलते हैं। काफी देर भटकता हूँ भाई, बंदा मिल नहीं रहा था, लेकिन अचानक से भाई सामने ग्लिच हो जाता है, उसकी तरफ मैं जाता हूँ, फिर तो दिख ही जाता है, बंदे को कर देता है भाई खत्म। और अब बचा सिर्फ लास्ट वाला बंदा, जो कि देखो बस कितनी देर में मिलेगा मेरे को, फास्ट मोशन में देखो भाई कितनी देर में मिलेगा, मतलब भाई तुम्हें फास्ट मोशन में कम सा लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गई थी। कहाँ नहीं ढूंढा भाई मैंने बंदे को, और लेट के देख रहा हूँ भाई मजे में, ये बात पक्की है कि भाई कैसे ढूंढ रहा है देखो मेरे को, और मैं मिल नहीं रहा। कुछ बंदों को इसमें मजा आता है। भाई एक कोना छान दिया था मैंने, मतलब मिल ही रहा था बंदा। फिर गाइस मैं बाहर की तरफ यार था, मुझे लगा भाई अंदर तो है ही नहीं बंदा, और यहाँ पे बंदा मेरे को दिख जाता है इस पत्थर के पीछे। बंदा मेरे को कहाँ से फायरिंग दे रहा था मेरे को बिल्कुल पता नहीं चली, क्योंकि भाई मैं भी फायरिंग दे रहा था उधर की तरफ जहाँ से थोड़ी सी जगह थी, मतलब मेरी गोली एक हेडशॉट लगी फिर लगनी बंद हो गई पता नहीं क्यों, और भाई बंदे को खत्म कर देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो अगर इस वाले चैनल पे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।